हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ डिजीज के बारे में जो कि कल की क्लास में छूट गए थे। और आज की क्लास में हम देखेंगे सबसे पहला हमारा जो डिजीज है वो है अमीबियसिस, जिसको हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। अमीबिक डिसेंट्री आप कह सकते हैं इसे। ये होता है प्रोटोजोआ से और इसमें देखिए पैथोजन हमारे पास क्या है। पैथोजन हमारे पास है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। पैथोजन इसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो जाएगा। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है 2 to 4 weeks, मतलब कि अगर किसी को अमीबियसिस हो जाता है तो आपको 2 से 4 सप्ताह का टाइम लग सकता है ठीक होने में। क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कि नॉर्मल पीरियड है, वो है 2 से 4 सप्ताह तक। तो आपको 2 से 4 सप्ताह तक वेट करना पड़ सकता है अगर आपको हो जाता है ये डिजीज तो। उसके बाद इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। पहला है फीकल ओरल रूट, मतलब कि आप अगर सुबह बाथरूम जाते हो सकता है और आपका मुंह जैसे कि वोमिटिंग होता है, उल्टी होता है, तो ये दोनों आपके जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे सेक्सुअल ट्रांसमिशन, अगर आप सेक्सुअल ट्रांसमिशन करते हो, किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो भी हो सकता है। और तीसरा यहाँ पे बाई वैक्टर्स लाइक फ्लाइज एंड कॉकरोच, जो मधुमक्खियाँ होती हैं और कॉकरोच होते हैं, उनके द्वारा भी हो सकता है ये डिजीज। अब इसका हम चौथा पॉइंट देखते हैं जो है सिम्टम्स की। अगर ये डिजीज आपको हो जाता है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे, क्या क्या लक्षण नजर आएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमें ये डिजीज हुआ है। तो सबसे पहला देखिए, इट अफेक्ट्स द स्टोमक बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एक्सेट्रा। मतलब कि अगर आपको ये डिजीज हो जाता है तो आपको जो है स्टोमक पे अटैक करते हैं ये पैथोजन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो है आपके पेट पे अटैक करता है, जिससे कि आपका पेट दर्द होता है। एब्डोमिनल मतलब अंदर के पेट के नीचे के साइड आपको दर्द हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्ट्रक्शन हो सकता है आपके स्टोमक में, जिसके वजह से पेन होता है। सबसे पहला लक्षण ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ब्लड एंड म्यूकस कम्स अलोंग विद फीकल मैटर। आपका ब्लड जो है और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, रेस्पायरेटरी एलिमेंट्री जो भी रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि पैथोजन को अंदर जाने से रोकता है। तो अगर आपको ये डिजीज हो जाता है तो आपका जो ब्लड है और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो फीकल मैटर के साथ बाहर आने लगेगा। मतलब कि आप अगर सुबह बाथरूम जाते हो तो वो उसी के साथ बाहर आने लगेगा। तो ये कई सारी डिजीज होती हैं, जिस गाँव में भी कई सारे को होते हैं और ये डिजीज आजकल कॉमन है। तो आपका ब्लड और म्यूकस मेम्ब्रेन आपके साथ बाहर आने लगेगा फीकल मैटर के साथ। दूसरा लक्षण ये हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट है, इट इज ट्रीटेड बाय एंटी प्रोटोजोअन ड्रग्स, जो कि ये प्रोटोजोआ से होता है। तो इसे ट्रीट करने के लिए एंटी प्रोटोजोअन ड्रग्स ही लेना पड़ेगा हमें। तो ये था अमीबियसिस डिजीज, जिसके लक्षण, ट्रीटमेंट और मैंने सिम्टम्स भी बता दिए आपको। दोस्तों अब नेक्स्ट डिजीज की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है एस्केरेसिस। एस्केरेसिस जो है हेलमिंथ से होता है। हेलमिंथ आपको जानना जरूरी है, प्लेटी हेलमेंथिस और एसके हेलमेंथिस जो होते हैं उसमें के जो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उसी को हेलमिंथ कहते हैं। और इसमें डिजीज जो होता है एस्केरेसिस होता है, इसमें पैथोजन होता है एस्केरेसिस लुम्ब्रिकॉइड्स। इसको अंडरलाइन करना जरूरी है क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। तो पैथोजन हो गया एस्केरेसिस लुम्ब्रिकॉइड्स एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 15 to 18 days, यानी कि 15 से 18 दिन तक ये रह सकता है अगर डिजीज किसी को हो जाता है तो। उसके बाद इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कि किससे फैलता है, कैसे हमारे बॉडी में एंटर करता है। तो सबसे पहला है फीकल ओरल रूट, जैसे कि हमने पिछले डिजीज में भी बात किया था, फीकल ओरल रूट होगा। उसके बाद दूसरा होगा, इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड सॉयल। अगर मिट्टी है, इन्फेक्टेड है मिट्टी जो है, मिट्टी में ये ज़्यादातर रहते हैं, तो अगर इन्फेक्टेड है वो मिट्टी, तो उस मिट्टी से भी आपको हो सकता है एस्केरेसिस डिजीज। तो मिट्टी, इन्फेक्टेड मिट्टी से बच के रहना है और फीकल ओरल रूट से हो सकता है। और इसके सिम्टम्स हम देख लेते हैं, इसके लक्षण क्या क्या है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग इज अफेक्टेड, तो ह्यूमन का जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उस पर अफेक्ट करता है ये एस्केरेसिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है ह्यूमन बींग के। और जाहिर सी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करेगा तो बहुत सारी डिजीज आपको होंगी, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम फूड का डाइजेशन होता है, तो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम सहनी पड़ सकती है। आपकी जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा सही से, आपको उल्टी होगी। जब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो वोमिटिंग तो होना ही है। उसके बाद आपको इनडाइजेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, इस तरह की जो है सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है मुझे बता। इसका ट्रीटमेंट है बाय यूजिंग एंटी हेलमिंथ ड्रग्स लाइक एल्कोपार एंड बेंडेक्स। आप एंटी हेलमिंथ ड्रग्स ले सकते हैं। ड्रग्स मतलब ये नहीं कि आपको नशा करना है, जैसे कि कई दवाइयाँ आती हैं जिसमें कि ड्रग्स मिलाया हुआ होता है और ये डिजीज को मारने के लिए, उसका जो है पैथोजन को मारने के लिए वो ड्रग्स मिलाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ड्रग्स आपको एल्कोपार और बेंडेक्स ड्रग्स नाम दिया गया है, आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको एस्केरेसिस हो जाता है तो।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज के बारे में, जो कि है फिलेरियासिस। ये भी जो है हेलमिंथ के कारण होता है, और इसमें पैथोजन जो है दो पैथोजन है इसमें, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई। ये दोनों साइंटिफिक नेम है, इनको भी अंडरलाइन करना है। और वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई ये जो है पैथोजन है इसके, और ये दोनों पैथोजन आपको याद होने चाहिए। एक लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, दोनों लिखना पड़ेगा आपको। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 10 से 15 दिन है, 10 से 15 दिन तक ये रहेगा। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। एक फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है, अगर वो काटती है आपको तो आपको ये डिजीज हो सकता है फिलेरियासिस। उसके बाद इसका सिम्टम्स क्या है, इट अफेक्ट द लेग्स एंड स्क्रोटम ऑफ ह्यूमन बींग। द साइज ऑफ लेग रिसेम्बल टू द साइज ऑफ एलिफेंट एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस। दोस्तों इसका सिम्टम्स यही है कि आपका जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में वो भी मेल जो होता है, उसके लेग्स और स्क्रोटम पे अफेक्ट करता है ये। मतलब कि अगर आपको ये डिजीज हो जाता है तो आपको लेग्स और स्क्रोटम, हमारा लेग्स यानी कि पांव और जो स्क्रोटम होता है जो हमारे बॉडी के बाहर होता है, मेल में और फीमेल में अंदर होता है, तो आपका लेग और स्क्रोटम जो है बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। मतलब कि आप गाँव में देखे होंगे या फिर शहर में किसी का भी, कई लोगों का पैर जो होता है वो हाथी के जैसे इतना मोटा हो जाता है, एक पैर, दोनों नहीं, एक पैर कोई कोई किसी का बहुत मोटा हो जाता है हाथी के पैर के जैसे, उसी को हम कहते हैं एलिफेंटियासिस, इसी डिजीज को, और ये इसी के कारण होता है, फिलेरियासिस के कारण। तो ये आपका जो साइज ऑफ लेग है वो काफी मोटा हो जाता है एलिफेंट के जैसे। द साइज ऑफ लेग रिसेंबल टू द साइज ऑफ एलिफेंट एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस, इसी को हम एलिफेंटियासिस डिजीज कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट है ड्रग्स लाइक डाइइथाइल कार्बोएजाइन। ये ड्रग्स अगर आप यूज करते हैं, मतलब कि ये मेडिसिन है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप इस डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं। और जिनको भी ये डिजीज हुआ होगा उनके दवा में जो है ये ड्रग्स जरूर होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपके फैमिली में, रिश्तेदार में किसी का भी है तो आपके गांव में भी, तो उनको ये दवा जरूर चलता होगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट जो डिजीज है वो है रिंग वर्म, जो कि फंजाई से काज होता है। और रिंग वर्म मतलब आप सभी ने सुना होगा और कभी ना कभी किसी को हुआ ही रहता है, दांत खाज खुजली, इसी को हम रिंग वर्म कहते हैं। और ये फंजाई से होता है, फंगस से होता है। इसमें तीन पैथोजन आ जाएंगे आपके, एक होता है ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। ये तीनों जो है पैथोजन है जिसके द्वारा, जिसके कारण हमारे बॉडी में रिंग वर्म होता है, यानी कि दांत खाज खुजली होता है, किसी न किसी को हो ही जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 से 21 दिन है, यानी 7 to 21 days। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ट्रांसमिटेड बाई स्वाइल बाई यूजिंग क्लोथ टॉवेल्स एंड कम्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी को रिंग वर्म हुआ हुआ है और उसका अगर आप क्लोथ यूज करते हैं, उसके कपड़े पहनते हैं तो आपको भी हो सकता है, उसका टॉवल यूज करते हैं नहाने के बाद तो आपको हो सकता है, और उसकी कंघी भी यूज करते हैं तो आपको हो सकता है अगर उसको रिंग वर्म हुआ है तो। और इन्फेक्टेड सॉइल से भी होता है ये, और यही है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद इसका सिम्टम्स है, स्किन हेयर एंड नेल्स आर अफेक्टेड। आपके स्किन पे ही दांत खाज खुजली होता है, हेयर में हो जाता है किसी किसी के, और फिर नेल्स पे भी हो जाता है। नेल्स जो आपका है ये नाखून, इसके पे ऊपर भी आपका रिंग वर्म हो सकता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है एंटी फंगल ड्रग। कई तरह के दवा आते हैं वो आप यूज कर सकते हो, एंटी फंगल ड्रग्स। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज हमारा पूरा जो है डिजीज कंप्लीट हो गया, और नीचे एक छोटा सा कमेंट जरूर से कर दे।